मेरा स्टाइल देखो गाइस, स्टाइल है ये, या राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। बस आवाज के साथ नहीं देख सकती, शिट। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बड़ा ही शानदार वाला वीडियो। शानदार क्यों है? क्योंकि आप लोग ने सजेस्ट किया था, वो है सीक्रेट रूम इन माय हाउस चैलेंज काइंड ऑफ वीडियो, हाइड एंड सीक काइंड ऑफ वीडियो। और ये मैडम आ गई कहीं से। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चिन्नू गई है अपने काम पे और अभी बच रही है दो। मेरे पास करीबन 1.5 घंटा है ऐसा रूम बनाने का जिसमें चिन्नू मुझे ना ढूंढ पाए, क्योंकि हमारा घर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा कोई कोने ही नहीं है जहाँ पे चिन्नू मुझे नहीं ढूंढ पाए। हम शुद्ध गरीब है, इसलिए मैं उसको 1-2 घंटा नहीं दे सकी ढूंढने के लिए। बट मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगी जिससे जल्दी काम हो। और मेरा प्लान ये है कि अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं उसे 5,000 रुपए दूंगी, और अगर उसने मुझे नहीं ढूंढा 5 मिनट में तो वो मुझे 5,000 रुपए देगी। आई जस्ट डोंट नो उसके पास होंगे इस वक्त कि नहीं होंगे, या फिर वो बात के लिए टलका देगी, कोई पक्का नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो ये करने वाले हैं हम, और मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी कि भैया मेरे कमरों में, घर में कौन कौन सी हाइडिंग स्पॉट्स है जहां मैं कर सकती हूँ। तो या वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो। और सबसे बड़ी बात गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में मेरे को ऐसी ऐसी जगह में छुपना पड़ेगा जहां पे पंखा नहीं होगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, यहां पे थोड़ी बहुत रोशनी है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस सोफा को आगे की तरफ कर दूं तो पीछे थोड़ी बहुत जगह आ जाएगी। वैसे तो चिन्नू बहुत ही आलसी और बहुत ही कम ऑब्जर्वेंट है। अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। तो वो मोस्ट लाइकली तो उसको समझ ही नहीं आएगा, बट बिकॉज दरवाजा यही है और वो यहीं से एंटर करेगी तो कह नहीं सकते उसको समझ में आ गया तो। एंड प्लस वहाँ पे थोड़ी सी मकड़ी वकड़ी भी हो सकती है, बिकॉज मेरे को मकड़ियों से बहुत डर लगता है गाइस, लाइक क्रेजी वाला डर लगता है। तो कह नहीं सकते वहां पे मैं अगर सही में मरी गई तो 5,000 के चक्कर में। जितना मैंने दूसरों के सीक्रेट रूम्स वाले वीडियोस में देखा है कि वो लोग कबर्ड वगैरह में छुपते हैं, बट कबर्ड मेरा आप देख सकते हो वहाँ वो है और इसमें मैं छुपने जाती, बिकॉज यहाँ तो डेफिनेटली चिन्नू धमाक खोलेगी, बिकॉज और कोई तो छुपने की जगह ही नहीं है ना, खोलेगी और देख लेगी। मेरा स्टाइल देखो गाइस, स्टाइल है ये, या राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। दिमाग में आ रहा वो है मेरा बेड। अब भगवान मेरी सोच के भी डर लग रहा है मकड़ी, बट गाइस आप लोग भी करें तो अभी से लाइक कर देना। आपको बेड के हमने दिखा दिया तो पहले बेड हटाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या है, क्या क्या है। इसके अंदर मेरे को जाके पड़े रहना है, तो ये सब हटाते हैं, साफ करते हैं, अंदर थोड़ी सजावट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पे पता नहीं कुकू क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रही हो क्या मेरा मैट्रेस यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, तो उसका बेड वहां पे पीछे है, तो बेचारी पता नहीं वहां पे क्या क्या करने जा रही है। उसका मैट्रेस, उसका बेड उसके नीचे पड़ा हुआ है। तो लाइट्स चाहिए पहली बात तो लाइट्स मेरी थोड़ी सी बिजी हैं, बट उनको मैं निकाल लूंगी उस जगह से। एक चाहिए मुझे अंदर कुछ खाने पीने का सामान, एक चाहिए मुझे मेरा एंटरटेनमेंट का सामान, तो ये कुछ 3-4 चीज है। और एक तो मैं सोच रही हूँ कि अपने शरीर पे ओडोमोस भी लगा लूँ, मच्छर तो नहीं काटते बट शायद कॉकरोच और मकड़ियाँ भी उसकी खुशबू से दूर हो जाए, मतलब वो भी डसने ना आए चुश चुश कर। तो मुझे वैसे सही है गाइस सबसे ज्यादा डर लाइट लिटरली मुझे मकड़ियों से लगता है, आपको सबसे ज्यादा डर किस? यहाँ पे है जो मेरे ना ये लाइट्स घुसी पड़ी हुई है, तो मुझे पहले ये सारी उतारनी पड़ेंगी, देखते हैं कैसे उतरेगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। Two thousand years later. Nearly, many years.
निकाल दिए हैं। लिटरली 2000 साल बीत गए ऐसा लग रहा है, लाइक लिटरली इसको घुमा घुमा के इतनी सी है, पर इतना समय लग गया पूरे उसमें से निकालने में, क्या बताऊं गाइस। बट या दिस इज इट, एंटरटेनमेंट का सामान ये रहा, आईपैड, खाने का सामान, पीने का सामान इतना काफी है। लिटरली मेरे को दो जनों की, एक और जने की जरूरत है जो मेरे ऊपर से इसको सजा दे, क्योंकि क्या करूं मैं अकेले कैसे करूं सारा। तो ये तो पता ही है कि चिन्नू मुझे पकड़ तो लेगी, बट मैं चाहती हूँ कि उसको मैं जितना डिले कर सकूँ ना उतना। तो मेरे को एक आइडिया आया, मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल को कम्प्लीटली चादर से कवर करने वाली हूँ, जिससे उसको एक बार के लिए तो यही लगेगा ना कि इसके अंदर है, और बड़ी स्नीकी पीकी होके आएगी तो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। सो ये करा जाए। इसको इस तरीके से कर दिया है तो वो एक बार के लिए तो यही सोचेगी कि मैं इसके अंदर। अब देखने को तो मुझे नहीं लगता कि इसको पता चलना चाहिए कि मैं इसके अंदर छुपने वाली हूँ, क्योंकि इतना भी नहीं लग रहा, मैं काफी थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होके देखना पड़ेगा तब मुझे पता चलेगा। या बस अंदर गर्मी रहने वाली, बिकॉज मैं यहाँ ऊपर फैन चलाऊंगी, बट इन दी एंड एसी नहीं चल सकती तो उसको पता चलेगा मैं यही हूँ। फैन हमारा इजीली ऑन रहता है कुकू के लिए, तो उस पर उसको डाउट नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, मैं इसके अंदर घुस तो जाऊंगी पर लिटरली कोई मैंने सांस भी लेने की जगह नहीं छोड़ी है गाइस, मैं क्या करूं। मर जाऊंगी गाइस, इसके अंदर ज्यादा देर रही तो इसके अंदर बाय चांस बकरी बकरी आ गए तो आई एम डन गाइस, लाइक ओके गाइस। मैं यहाँ सेट हो गई हूँ, गर्मी जरूर लग रही है पर बड़ा मस्त लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। दिस इज हाउ इट इज, और मैं थोड़ा देखती हूँ कि मैं मेरा टीवी सीरियल वगैरह कुछ देख भी पाऊंगी, कुछ खा पी भी पाऊंगी, क्योंकि खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं गई तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं कर लेती हूँ, बस आवाज के साथ नहीं देख सकती, शिट, और मैं एयरपॉड नहीं लेके, बट कोई बात नहीं, म्यूट में देख लूंगी। बस यहाँ मुड़ने की बहुत आपत्ति है गई, मैं मुड़ वुड़ नहीं सकती, हाय रब्बा मैं मर जाएगी। चिन्नू की घंटी आ गई, चिन्नू की घंटी बज गई गाइस, टाइमर ऑन करने की बारी। तो मैं अभी अभी काम से आई हूँ, और मम्मी का मैसेज था कि उनको ढूंढना है मेरे को, तो घर के अंदर जाने से पहले वही बस 5 मिनट हुए ढूंढने के लिए शायद, बस चलो ठीक है अंदर चलते हैं। हाय आई सी यू, ये हमें मतलब है ना डिस्ट्रैक्ट करने की साजिश थी। इस रूम में देखते हैं, इस रूम में होगी क्या, ये रूम सुबह में दिख तो नहीं रही। अरे भाई मैं छुपने सोती हूँ, अरे नहीं अलमारियाँ यहाँ पे भी नहीं है, अलमारी के अंदर तो कहीं नहीं दिख रही, कहीं दिख रही क्या आप लोग को, अलमारी के अंदर नहीं है। ये बहुत अच्छा था, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की साजिश थी, हॉल में तो कहीं जगह ही नहीं है, बालकनी बालकनी हो सकती, शिक्षा का टाइम नहीं है, बालकनी बालकनी में भी बालकनी में कहाँ छुपेगी यार, बालकनी में तो कोई जगह ही नहीं है, कहाँ छुपेगी जगह, किचन में देखते, किचन में, किचन में सकते, किचन में दमारी दमारी एक मिनट के लिए स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग स्ट्रांग के पास है क्या, स्ट्रांग बता स्ट्रांग कहाँ है, दमारी स्ट्रांग शेड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ओ मैं दूर है स्ट्रांग, इसको बड़े में नहीं है, दमारी के रूम में देखते हैं। कहाँ है घर को, बाथरूम में तो नहीं दिख रही, ही हमारे इसको क्या हो गया भाई, इतना खाली क्या है, इसके अंदर क्या भाई, कबर्ड में कैसे छुप सकता है किसी ने, इसलिए अभी इस पूरे घर में तो नहीं है, इस शीशे के पीछे भी नहीं है, कहाँ जाके छुप गई, हमारे टेबल के नीचे भी नहीं दिखे हमें, कहाँ है रमा दी, कहाँ है, कहाँ है कुकू, अलमारी में नहीं है रमना दी, रमना दी कहाँ है, देख मैं बेड की तरफ इशारा कर रही हूँ, ये बेड थोड़ा मेरे को ऐसा लग भी रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट, इसमें देखते हैं, देख मैं इसका मैट्रेस बाहर पड़े, इसके अंदर ही है क्या, शिट लाइट चल रही है, शिट ऐसा लग रहा है किसी की लाश पड़ी है, रमना दी, ओह माय गॉड।
रम्या दी आप इधर ही हो, मुझे पता चल गया। अरे हेलो, शिट कहीं मरवर गई क्या? हेलो हेलो, सास नहीं आ रही क्या? दूसरे साइड से खोल के देखती हूँ। सिर्फ 10 सेकंड और बची थी यार। Yes. मैं सिर्फ 10 सेकंड और छुपी रह पाती। हाँ। पता कैसे चला कि मैं इसके अंदर थी? अरे यार, मेरे को तो दिखा ही नहीं था। ये मैं फूफू से पूछे जा रही थी, कुकुर रवि जी कहाँ रवि जी? वो तो चीटिंग है। यही प्रॉब्लम है, सीक्रेट रूम बना सकते हैं जिसके घर में कुत्ता ना हो। हमारे घर में 2 है, एक बिल्कुल मेरे पीछे पड़ी हुई थी। राइट थोड़ी दिख रही थी बाहर से? नहीं नहीं दिख रही थी, मैंने बहुत मेहनत कर दी लिटरली, मैंने इतनी मेहनत कर दी। पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, बस ये थी कि मैट्रेस का अगर मैं वो लकड़ी रखती तो मैं घुस नहीं पाती। अगर मेरे पास में एक और हेल्पर होता। लकड़ी तो कहीं थी नहीं घर में, मतलब अगर बाहर होती तो भी मेरे को दिख जाती कि हाँ इसके अंदर हो सकता है। ओ, घर पे आते ही मैंने एकदम थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी। मेरे को उल्लू समझ रखा है, इतने सालों में कभी शेप नहीं दिया। देखा तो डिस्ट्रैक्शन था, मेरे को लगा। मैं बोली क्लेवर है। वैसे पता है मेरे को नहीं दिखता अगर इसके ऊपर ये रजाई पड़ी होती तो। इसके ऊपर रजाई तो पड़ी थी, निकली हुई थी। किसने उठाई? अच्छा शायद मैंने उठाई थी पहले। नहीं तो मतलब रजाई अगर आप बिल्कुल प्रॉपर ऐसे अर्धा डालते हैं ना तो मेरे को कभी किसी जमाने में नहीं। आप लोगों को पता है मैंने रजाई पूरी डाली थी, पक्का कुकु ने इधर उधर कर दी। तो 5,000 रुपए दे दूंगी गाइस। यस, ओ 5,000 तो नो, मतलब मैं तो बस इन्हें को पता ही नहीं होता ना। नहीं नहीं नहीं, अब तो 5,000। अरे पार्टी। तो इस प्लीज के नीचे क्या कमेंट करना? हाँ, घर की इमोजी डाल देना अगर आप चाहते हो कि चिन्नू भी एक सीक्रेट रूम बनाए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आप लोगों की रिक्वेस्ट में लिटरली घर में मर रही थी। सब्सक्राइब कर देना। नाउ वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो गाइस।